ब्लॉग में स्वागत है आप लोग। पूरा वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्त। हमारे दीदी जा रही हैं और हम जा रहे हैं दोस्तों अपने घर। आई थी, मेरे सरोज की लड़की का जन्मदिन था, तो अभी तरह से बने रहिए ब्लॉग में। आप चलते हैं बाहर, रूम में से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। दोस्तों अच्छा नहीं लग रहा है, सरोज का दुख देख करके बहुत चिंतित रहती हूँ। उनसे नहीं आ कर किया कर। तो हमारे दीदी निकल रही है इधर में, सभी लोग इधर। तो मेरा भाई जो है गाड़ी साफ कर रहा है इधर, इसी गाड़ी से दीदी बैठ कर जाएंगी मोटरसाइकिल से इधर। मम्मी से जा रही है मिलने। तो दोस्तों इसमें सरोज का आप लोग साथ दीजिएगा, क्योंकि सरोज दो बच्चे पता नहीं कैसे क्या करेगी, सब दिन नहीं आधा पहाड़ ऐसा पूरी जिंदगी पड़ी हुई है इसको, इसके ऊपर इतना परेशानी है कि आप लोग समझ सकते हैं कि जिसका लोग ससुराल बोले भी साथ नहीं देते, पति भी नालायक। दो बच्चे पैदा तो कर दिया लेकिन क्या समझ में नहीं आता क्या करें क्या करते। ये घुट घुट करके रोती है लेकिन किसी के सामने जल्दी रोती नहीं क्या बताएं दोस्त। आज हमारा पति लायक रहता तो आज हम मुझे यहाँ मायके में नहीं रहना पड़ता, ना ही मेरी वजह से मेरी दीदी रोती, ना मेरी वजह से कोई भी परेशान नहीं होता, सभी लोग खुशी रहते हंसे रहते। आज मेरा पति नालायक है तो सबको रोना पड़ रहा है, हमारे घर भर को, सभी दीदी भाई मम्मी को सबको रोना पड़ रहा है। ऐसे पति किसी को ना दे जैसे मेरे नसीब में मिल गया, भगवान ना करे किसी के जीवन में मेरे जैसा दुख भरी कहानी किसी की ज़िंदगी में ना हो जैसे मैं झेल रही हूँ इस समय, बच्चों को लेकर, दो बच्चों को लेकर। मेरी वजह से मेरी दीदी भी बहुत परेशान रहती है कि कब मुझे सुख मिलेगा। आज मैं सुख रहती तो आज उनको रोना नहीं पड़ता, मेरे वजह से, मेरे पति की वजह से सब भी लोग रोते हैं कि मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया उसने, पता नहीं कब मेरे जीवन में खुशी का दिन आएगा। मैं हम भी लोग खुशी से रहें। अब हमारी दीदी जा रही हैं, हमारे बच्चे जो जाने के लिए।
लाइक करो।